गया लगभग लगभग खत्म हो चुका है और 25 मार्च की होली है, तो होली के लिए अब आप कौन सा बच्चा डालें, किस तरह से आपको मुर्गी फार्म शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भाइयों बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं और आप सबके प्यार से और आप सबके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के और छोटे भाई हैं साथियों के सबके सहयोग से अपना चैनल 10,000 का परिवार पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भाइयों ने इतना प्यार किया, सपोर्ट किया कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं और आपको जानकारी वाली वीडियो मिलती रहती हैं, तभी अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि 10,000 लोगों का परिवार हो गया है और लाखों लाखों लोग भाई अपनी वीडियो देखते हैं। तो इस तरह से वीडियो जब इतने सारे लोग देखते हैं तो सभी भाइयों के अलग अलग सवाल होते हैं, काफ़ी भाई फ़ोन करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अलग से बनाई जाए, आपको बताया जाए कि जो भाई अब मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए फ़ोन करते हैं उनका कहना होता है कि जी हम अंडे के लिए काम शुरू करना चाहते हैं। तो भाइयों आपको बता दूं, सर्दी का सीज़न ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो गर्मी में जो अंडे की खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत कम हो जाती है। लगभग मान के चलो आप 30 से 40% पहुँच जाती है, 30% से भी नीचे जाती है मई जून में जाके। तो कि अगर आपके पास 100 अंडे हो रहे हैं तो आपके 30 अंडे भी नहीं बिकेंगे, ये समस्या आती है और सभी भाइयों के साथ आती है। जो ब्रॉयलर का अंडा होता है, हम बोलते हैं फार्मी अंडा होता है, उसका तो जी मजबूरी है, अंडा जिसका फार्म होता है उसका बिकता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो अंडा बिकता है, लेकिन जो देसी का फार्म है, छोटे मोटे फार्म होते हैं, उनके साथ ही समस्या आती है। तो वही मैं सबसे पहले आपको अपना फार्म दिखा देता हूँ और उसी बीच में हम जानकारी लेते हैं आपको धीरे धीरे, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो में। देखो ये अपना फार्म है और यहाँ पे हमारे ब्लैक एस्टल और मैं इनको खोल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन सा है। तो एक साथ हम दोनों को खोलेंगे, क्योंकि अगर एक साथ हमने एक को खोल दिया तो ये सारे बच्चे एकदम से उड़ के बाहर आ जाएंगे। अभी आप देखना क्या हाल होने वाला है, थोड़ा हम पीछे होकर दिखाते हैं एक बार। ये देखो आप, ये देखो अब आप पीछे देखो, ये बाहर निकलते हैं जब, तो इस तरह से उड़ के आते हैं सारे। मैं आपको देखो बाहर देखो कैसे घूम रहे हैं ये बच्चे सारे, आपको बाहर दिखा देता हूँ। ये पूरा जो अपने पास में है ये सारा ब्लैक एस्टल ऑर्फ, इसमें कुछ सोनाली सोरंगी टाइप से हम कह सकते हैं, तो सारा ब्लैक एस्टल ऑर्फ हमारे पास में है ये। तो अगर आप अब फार्म शुरू करना चाहते हैं और अब भाई फ़ोन करते हैं कि अंडे वाली मुर्गी मुझे चाहिए, तो अंडे वाली मुर्गी में आप ब्लैक एस्टल ऑर्फ ले सकते हो, आप आरआईआर ले सकते हो, बाकी कहने को तो आपके पास सोनाली है, आपके पास कड़कनाथ है या डबल एफ जी है, आप उससे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर अब आपको फार्म शुरू करना है फरवरी के अंदर, तो मेरे भाइयों अब आप मुर्गी ना लो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि आप डबल एफ जी का बच्चा देखें, वो भी कम से कम इस समय कम से कम आधा किलो का बच्चा हो, क्योंकि अगर आपको आधा किलो का बच्चा एक महीने का बच्चा मिल रहा है तो वो बच्चा आपका अगले 40 दिन के अंदर आप उसको 2 किलो 2.5 किलो तक कर सकते हो। तो आवाज़ आपको देखो पीछे मुर्गों की काफ़ी ज़्यादा आएगी, मेरी आवाज़ हो सकता है आपको कम आए, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मुर्गे बाहर खोले हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो आप डबल एफ जी का बच्चा लें अगर आपको अभी काम शुरू करना है, और ज़्यादा मात्रा में ना लें। अगर आप पुराने फार्मर हैं तो आप 400-500 ले सकते हो, अगर आप नए किसान हो और कहीं पे आपको डबल एफ जी का आधा किलो से 1 किलो तक का बच्चा मिल रहा है तो 300 के आसपास से लें, 300-250-300 से शुरुआत करें, और उससे क्या होगा कि आपका पहली बार जो मार्केट है वो बन जाएगा, उसके बाद आप आगे चल के देखें। एक सीक्रेट बताओ कि आपके यहाँ डिमांड कैसी है, तो आप हर महीने अपना 100-200 बच्चे डाल सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चा डालोगे तो आप अभी नए हो, जैसे कि आप पहली बार अगर काम शुरू कर रहे हो, तो डबल एफ जी की खपत जो होती है, दाने की खपत, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो बहुत ही बेहतरीन ब्लैक एस्टल ऑर्फ का मुर्गा हो जाता है हमारे पास में जो है, और डबल एफ जी का जो वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर हम डबल एफ जी की बात करें तो 2-2.5 महीने के अंदर आपका 2.5 से 3 किलो तक वो बच्चा हो जाएगा। तो हमारे पास में सारा है ब्लैक एस्टल ऑर्फ अपना, और जब आप डबल एफ जी लोगे, मीट पर्पज से आपका फार्म होगा, मान के चलिए आपको 300 बच्चा कहीं से मिलता है, तो सीधी सी बात है वो मिक्स बच्चा मिलेगा, कोई भी मुर्गा मुर्गा देगा नहीं। अगर आपको कहीं से मुर्गा मुर्गा मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि आप मुर्गा मुर्गा लें। अगर आपको आधा किलो का बच्चा 90-100 रुपये के आसपास में मिल रहा है, तो अगर आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़े तो आप मुर्गियाँ ना लेकर मुर्गा मुर्गा लें उसमें, तो आपका मीट पर्पज में वो बहुत बेहतरीन आपका निकल जाएगा। बाकी देखो मैं आपको अपने फार्म में थोड़ा सा घुमा देता हूँ, दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ पे भी थोड़ा अंडा हो रहा है और इसकी मैं कल वैसे थोड़ी साफ सफाई की है इसकी मैंने, तो अभी मुर्गी बाहर निकल गई है। तो अंडा देखो आप, अगर आपको अंडे के लिए काम शुरू करना है तो ये देखो आप, मैं अभी अंडे को छू लेता हूँ, इसको पड़ा हुआ है। तो आप ब्लैक एस्टल ऑर्फ के साथ अंडे के लिए शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अंडे के लिए शुरू करना है तो अंडे के लिए आप कोशिश करें मार्च अप्रैल के आसपास में बच्चा डालें। बाकी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी अंडा इधर हो सकता है इस पोर्शन में हो, क्योंकि बीच में ऐसा होता है ना कि बाहर मुर्गियाँ उस कोने में कम अंडा देती हैं। ये देखो आपको अंडा बिखरा हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, ये मैं चुग लेता हूँ। 4, 5,
अच्छा, तो भाइयों आज की वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको बस बता दिया जाए, दिखा दिया जाए अपना फार्म भी थोड़ा सा, और कैसे आप फार्म शुरू कर सकते हो।